Hello guys, today we are playing the game The Baby in Yellow. This is the third part of the game. और जैसा कि आप जानते हैं कि first part में इस baby ने हमें बहुत तंग किया था और ये इसका third part है. चलो अब start करते हैं game को. जैसा कि आप देख सकते हैं इस घर में लगता है earthquake आ गया है. चलो अब यहाँ से जाते हैं ऊपर और हमें cat को follow करना है जो black cat है. चलो अब यहाँ से ऊपर जाते हैं और अब यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं ब्लैक कैट कहाँ पर है. ये देखें, ये रही ब्लैक कैट और ये पता नहीं क्या देख रही है और पता नहीं अब क्या होने वाला है. ओ शिट, ये बेबी की चाल थी और हम फंस गए. अब हमें जाना होगा अंदर. अब पता नहीं क्या होने वाला है. अब हम अंदर आ चुके हैं, अब यहाँ से चलते हैं. ये बेबी का ड्रैक वर्ड है. चलो अब यहाँ से चलते हैं और हमें फॉलो करना है ब्लैक कैट को. और ये रही ब्लैक कैट, ये पता नहीं कहाँ गायब हो गई. और ये देखें, ये भी पूरा गुम हो गया. चलो अब स्टार्ट हो गया है चैप्टर नंबर 3. चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हम पहुँच गए हैं इधर और हमें यहाँ पर बहुत काम करने हैं. और ये देखें, ये रही बेबी और ये हमें पिक्चर में दिखाई दे रही है बेबी. चलो अब यहाँ पर चेक करते हैं हमें क्या करना है. हमें फॉलो करना है ब्लैक कैट को, लेकिन ब्लैक कैट पता नहीं कहाँ पर है. चलो उसको देखते हैं. ये रही ब्लैक कैट और हम यहाँ से तो नहीं जा सकते, हमें इसको हटाना पड़ेगा. तो मेरे ख्याल से यहाँ पर हमें बुक्स रखने होंगे जिसके बाद ये गेट ओपन हो सकता है. चलो अब यहाँ पर बुक रख लेते हैं और मैंने एक रख लिया है और दूसरे फाइंड करते हैं कहाँ पर हैं बुक्स. तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ये रहा एक बुक. चलो अब इसको उठाकर वहाँ पर रख लेते हैं और देखते हैं गेट ओपन हो जाए. एक और हमें बुक चाहिए. चलो तलाश करते हैं कहाँ पर है. ये रहा तीसरा बुक, इसको भी मैंने उठा लिया. अब लेकर चलते हैं और यहाँ पर लगा लेते हैं. ये बुक यहाँ पर नहीं लगा, चलो अब इसको यहाँ पर फेंक देते हैं और दूसरा बुक देखते हैं. तो यहाँ पर तो कोई बुक नहीं है. चलो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी कोई बुक नहीं है. चलो अब तलाश जारी रखते हैं. हमें बुक फाइंड करना है और यहाँ पर इसको लगाना है जैसे ये गेट ओपन हो सके. ये रहा वो बुक, चलो इसको उठा लेते हैं. अब इसको लेकर चलते हैं और यहाँ पर लगा लेते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं बुक मैंने लगाया और ये ओपन हो गया गेट. और अब फॉलो करते हैं ब्लैक कैट को. और ये रही ब्लैक कैट, वो इस तरफ से जा चुकी है. चलो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मीटर और हमें इसमें इसको ओपन करना है जैसे ये गेट ओपन हो सके. चलो अब इसमें हम कॉल डालते हैं और इसको जलाते हैं जैसे ये फ्यूल बार जो है ये रेड पे आ जाए और ये जो है गेट ओपन हो जाए. ये गेट ब्लास्ट हो जाएगा गर्माइश की वजह से. चलो अब यहाँ पर रुक जाते हैं थोड़ी देर और यहाँ पर कॉल इसमें डाल देते हैं. और जैसा कि आप देख सकते हैं ये मीटर रेड हो गया और ये ब्लास्ट हो गया और गेट ओपन हो चुका है. चलो अब यहाँ से जाते हैं और ब्लैक कैट को देखते हैं. ब्लैक कैट ये रही, चलो अब जाते हैं उसके पीछे. चलो अब यहाँ से जाते हैं और ब्लैक कैट को फॉलो करते हैं. आप देख सकते हैं ब्लैक कैट यहाँ से जा रही है. चलो अब इसके पीछे मैं जाता हूँ और यहाँ से रास्ता बंद है. चलो अब यहाँ से चलते हैं, यहाँ से रास्ता ओपन है और इस गेट को मैंने ओपन कर दिया और हम आ चुके हैं अंदर. ये देखें, यहाँ पर भी अर्थक्वेक चल रहा है. ये बेबी की शरारतें हैं. चलो अब इस गेट को ओपन करते हैं और निकलते हैं यहाँ से. यहाँ पर मुझे नहीं लगता कोई चीज़ हमें मिलने वाली है. चलो अब बाहर जाते हैं और हमें एक्सप्लोर करना है इस गेट के पीछे क्या है. चलो एक्सप्लोर करते हैं और इस गेट को मैंने ओपन कर दिया और ये रही ब्लैक कैट और इसने हमें मिनी रोबोट दिया है और इसमें हमें बैटरी इंसर्ट करनी है न्यू. चलो अब उसको फाइंड करते हैं हमें न्यू बैटरी कहाँ मिल सकती है. चलो अब तलाश जारी रखते हैं और बैटरी लेकर आते हैं न्यू. तो यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं शायद मिल जाए न्यू बैटरी. ये रही,
चलो मैंने न्यू बैटरी उठा ली, अब लेकर चलते हैं और उसमें लगा लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर है मिनी रोबोट और यहाँ से मैंने बैटरी उठा ली। चलो अब इसमें लगाते हैं और आप देख सकते हैं ये मिनी रोबोट उठ गया है। चलो अब लेकर जाते हैं इसको ऊपर और इसको रिपेयर करते हैं। हमें जाना है ऊपर अप स्टेयर से, तो यहाँ से रास्ता तो बंद है, शायद इस लेवर को नीचे करना होगा। हाँ दोस्तों ये गेट ओपन हो चुका है। चलो अब जाते हैं ऊपर और इस रोबोट को लेकर चलते हैं और यहाँ पर इसको लगा लेते हैं चार्जिंग पे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्क्रीन ओपन हो गई और हमें इस रोबोट को चार्ज करना है। अब ये देख रहे हैं आप यहाँ पर जो है ये स्क्रीन आपको शो कर रही है और ग्रीन के ऊपर आपने क्लिक करना है जैसे ये चार्ज हो सके। चलो अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ जैसे ये रोबोट चार्ज हो सके। और आपने ख्याल रखना है कि ये जो सिग्नल जा रहे हैं ये सही तरह उस स्क्रीन के ऊपर लगें। चलो अब हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं और इसको रोबोट को मैंने चार्ज कर लिया और आप देखें ये रोबोट चार्ज हो चुका है। अब रोबोट को पता नहीं क्या चाहिए। चलो इसका नाम है न्यूट और इसको चाहिए अब इंक। हमारा रोबोट न्यूट को इंक चाहिए। चलो जाते हैं नीचे लेकिन यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं पहले, शायद यहाँ पर मिल जाए हमें इंक। फाइंड करनी है हमें, यहाँ पर तो मुझे नहीं दिख रहा कि इंक है अवेलेबल, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर तो हैमर पड़ा हुआ है और दूसरी चीज़ें पड़ी हुई हैं लेकिन हमें इंक नहीं दिखाई दे रही। चलो अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं और यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है। इंक मुझे लगता है वो हमें नीचे मिलेगी, लेकिन यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। इस ड्रॉ को ओपन किया और यहाँ पर भी इंक नहीं है। चलो अब इसको ओपन नहीं कर सकते तो यहाँ पर भी देख लेते हैं। चलो दोस्तों अब चलते हैं नीचे, यहाँ पर हमें इंक नहीं मिलने वाली। चलो अब चलते हैं नीचे और देखते हैं क्या हमें नीचे इंक मिलती है। ये रही इंक, मैंने उठा ली है। अब चलते हैं और ये अपने रोबोट न्यूट को देते हैं ये इंक। ये मैंने इसको दे दी है और अब इसने हार्ट का निशान बनाकर प्रिंट कर दिया। और आप ये देखें ये उड़ नहीं सकता, पता नहीं क्यों, शायद इसका नीचे का कैप्सूल हमें फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर इसको लगा लेते हैं और आप देख सकते हैं ये गेट ओपन हो गया। चलो अब चलते हैं यहाँ से और यहाँ पर इस गेट को ओपन करते हैं और यहाँ पर हमें न्यूट का एक बूस्टर मिल गया है जो हमें इसको नीचे लगाना है। चलो अब इस गेट को ओपन करते हैं और इसको यहाँ पर लगा लेते हैं और हमें न्यूट जो है यहाँ पर लेकर आना है अपना रोबोट। चलो अब यहाँ से चलते हैं और गेट को रोकने के लिए कोई चीज़ फाइंड करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे डॉल्स मौजूद हैं और बेबी डॉल्स भी मौजूद है। चलो अब यहाँ से चलते हैं और गेट के लिए कुछ फाइंड करते हैं जैसे हम गेट को रोक सकें बंद होने से। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ मिल गई है जो इस गेट को रोकेगी। इसको लेकर चलते हैं और इसको यहाँ पर लगा लेते हैं और ये गेट अब बंद नहीं होगा। चलो अब इस रोबोट न्यूट को लेकर चलते हैं इस रूम में और यहाँ पर इसको रख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने रोबोट न्यूट को रख लिया है और इस लेवर को नीचे करते हैं और आप देख सकते हैं इसको बूस्टर लग चुका है और ये रोबोट हमारा अब फ्लाई कर सकता है। वो जा चुका है इस रास्ते से। अब चलते हैं और देखते हैं रोबोट कहाँ पर है। ये क्या हो रहा है, फिर से अर्थक्वेक, ये बेबी जो है ये नहीं छोड़ने वाला हमें। ये रहा हमारा रोबोट और ये एलिवेटर में पतंग कैसे फंस गया है। मैं समझा ये रोबोट हमारा ये फंस गया है एलिवेटर में, लेकिन उसको कुछ टूल्स चाहिए जिसे वो एलिवेटर को रिपेयर कर सकें और हम ऊपर जा सकें। चलो अब हमें टूल्स मिल चुके हैं, अब इसको हम देते हैं और ये चला गया है ऊपर। अब आएगा फिर से, पता नहीं कौन सी चीज़ मांगेगा। चलो यहाँ पर वेट करते हैं और इसको प्रेस करना फिजूल है। ये देखें एलिवेटर से नीचे आ चुका है रोबोट और अब इसको ऑयल चाहिए। चलो अब यहाँ से उठा लेते हैं कैन ऑयल का और अब इस रोबोट को देते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसने पूरा पी लिया ऑयल
और अब पता नहीं क्या होगा। इसे हैमर चाहिए। चलो अब जाते हैं और हैमर को लेते हैं और अब देते हैं इस रोबोट को। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रोबोट हैमर लेकर ऊपर चला गया और लगता है मुझे अब एलिवेटर सेट हो जाएगा। और ये देखें, ये बेबी इतना करीब कैसे आ चुका है। और ये देखें, एलिवेटर नीचे आ चुका है। चलो अब इसको ओपन करते हैं। ये खुद ब खुद ओपन हो गया और इस बटन को प्रेस करते हैं और आप चलते हैं ऊपर। और ये देखें, ये बेबी आ चुका है नीचे। ये बेबी इन येलो का चैप्टर नंबर 3 था और इसका फर्स्ट पार्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो सेकंड पार्ट होगा इस चैप्टर नंबर 3 का। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को।